Hello friends, good morning. Today we are posting another video in our ECG channel where we have a patient today, Mr. Anil Kumar, who is already a railway employee, and he presented to us with the eardrum perforation, mid-size perforation tha unka, and he had already been operated for his left ear around 10 years back. And when he applied for his upgradation exams, he was out for his medical because of this issue. Then he consulted us through YouTube, and he was very worried and skeptical about this technique. But slowly he gained confidence after seeing so many patients around him getting treated successfully. And aaj inka kaan ka parda bilkul theek ho gaya, and I think inka medical bhi ho gaya. Ye bahut khushi ki baat hai. Congratulations, bolunga sabse pehle main Ajay ko. और बाकी अपनी अजय की जर्नी और अजय की कहानी हम अजय के मुंह से ही सुनेंगे, और ताकि बाकी लोगों को तक भी मैसेज पहुंचे। अजय, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सर, क्योंकि ये मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। मैं भी सर्विंग एम्प्लॉय हूँ सर, और मैंने अपने हायर रैंक के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मैं सिलेक्ट भी हो गया सर। पर मेडिकल के दौरान सर ने बोला कि आपके लेफ्ट ईयर में परफोरेशन है और आपको इसको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, कई डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, सभी डॉक्टर ने बोला कि बस इसका लास्ट सॉल्यूशन है सर्जरी। बट मैं सर्जरी से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैं 10 साल पहले ऑलरेडी करा चुका था। मैंने एक बार तो अपना गिव अप ही कर दिया था कि मैं ऑपरेट ही नहीं कराऊंगा और सेम पोस्ट पे आगे रहूंगा। पर मैंने लकीली सर की वीडियो देखी यूट्यूब पे, मैंने सर की प्रीवियस वीडियो देखी, जिनमें मेरा तो पर्दा काफ़ी छोटा था, लोगों का 95% तक फिल हुआ है। मैं फिर सर से मिलने आया यहाँ पे, मैंने फ़ोन से भी पेशेंट आई विदेश सर के पास, ऑस्ट्रेलिया से एक लड़की थी जिनका भी फिल हो चुका है, नेपाल से एक कपल था, उस कपल में तो जो पर्सन था उसके दोनों ईयर वे थे, वो भी पूरी तरह हील हो चुका है। तो मैंने सर के पास आया, सर ने मेरे को बहुत अच्छे से ऑपरेट किया, सर ने मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, क्योंकि कई बार मैं बहुत नर्वस हो गया था, पर सर ने बार बार मेरे को बोला कि अजय होगा होगा, और टुडे बिफोर टुडे मेरा मेडिकल था, आई एम मेडिकली फिट, थैंक्स सर फॉर दैट। आई एम गो ही टुक अराउंड 2 months टाइम। तो काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि पेशेंट को कितना टाइम लगा हील होने के लिए, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 2 महीने लगे इनको, आई थिंक लेस देन टू मंथ्स लगा इनका ईयर ड्रम परफोरेशन हील होने में। और बाकी आप जर्नी में कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जिनके कान में परफोरेशन है, और कैसे कितना पेशेंस रखना पड़ता है और कैसे ग्रो होता है, अपना जो आपने फील किया, यू कैन शेयर इट टू द अदर वर्ल्ड। जो जर्नी होती है इसकी फिल होने की, उसमें पहले स्टार्टिंग में जो पहला मंथ होता है, उस मंथ में केवल आपका इन्फेक्शन ठीक होगा और आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। ये ऐसे नहीं है कि इसको पकड़ के ऐसे लंबा कर दिया जाए। इसमें क्या होगा, पहले आपके इन्फेक्शन जो ईयर में वो ठीक होगा, उसके बाद ग्रोथ होगी। हाँ, एक बार ग्रोथ होने के बाद फिर बहुत फास्टली ये ठीक हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात है आपको इस पूरी जर्नी में आपको कॉन्फिडेंस रहना है। मन में बहुत से अप एंड डाउन्स आएंगे, नहीं होगा, आप आओगे 2 दिन बाद सर से मिलोगे, सर बोले कि अभी आपकी फाल्स लेयर समथिंग कुछ इनकी मेडिकली होती है, पर एट लास्ट आप कॉन्फिडेंस रखना, जरूर ठीक होगा। हाँ, रही ऑपरेशन की बात, आप ऑल इंडिया कहीं भी ऑपरेशन करा लो, आपको 3 या 4 साल बाद सेम प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो मैंने फील किया मैं वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, यू गेट मोर सक्सेस इन लाइफ। एंड दिस वाज द मैसेज टू द अदर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, एंड आई थिंक हम लोग बाकियों को भी इस तरीके से हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू अजय, थैंक यू।